जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष जुआ राजद के, जिला कार्यकारिणी के जुआ राजद के सदस्य हैं। आज हम लोग बैठ करके रणनीति बनाए गए कि हम लोग का नेता का जो आदेश है कि जातीय जनगणना देश में कराना है। लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग गाँव के अंतिम पैदान पर किस तरह से पहुँचाएँ, अंतिम लोगों समाज के जो वंचित समाज है जिसका हक और हिस्सेदारी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है, उनके बीच में हम किस तरह से जाएं। जो बढ़ती हुई महंगाई, इस महंगाई से समाज का सबसे वह जो दलित तबका है, अति पिछड़ा तबका है, वंचित तबका है, खेतों में काम करने वाले हमारे गरीब भाई हैं जो इस महंगाई से पिस रहे हैं, वहाँ तक हमारी लड़ाई किस तरह से पहुँचे, हमारी बात किस तरह से पहुँचे। नई शिक्षा नीति जो नीति लागू हुई है, अगर नीति चलती रही तो आने वाले दिनों में 90% आबादी जो दलितों की, अति पिछड़ों की, वंचित समाज की या कमजोर वर्ग की, वो शिक्षा से दूर हो जाएंगे, शिक्षा उनसे दूर कर दिया जाएगा। इन सारे तीनों इशू को लेकर के समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से पार्टी अपनी बातों को पहुँचाए, उसी के रणनीति तय करने के लिए आज जुआ राजद की बैठक है। आज हम लोग बनाएंगे कि गांव में किस तरह से इस लड़ाई को, इस आंदोलन को खड़ा करें। आज हम सभी साथी बैठेंगे और बैठने के बाद जो रणनीति तय होगी उसी के हिसाब से आगे कार्यक्रम जिला में चलेगा। नई शिक्षा नीति को लेकर आपने जहाँ विरोध दर्ज किया, वही शिक्षक अभियुक्ति जो नियमावली आई है उसका भी लगातार विरोध। देखिए, एक बात समझिए, पॉलिसी दूसरी चीज़ है, वह कार्यपालिका के काम है, लेकिन यहाँ तो जब पॉलिसी रहेगी तभी ना, जब शिक्षा बचेगा तभी ना शिक्षक रहेंगे और विद्यार्थी रहेंगे, जब शिक्षा ही खत्म हो जाएगा तो शिक्षक कहाँ रहेंगे। तो जो मूल इशू है कि संविधान को ख़त्म करके जो वंचित समाज का दबदबा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में पढ़ने का ताकत दिया है गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, आरएसएस इसी को समाप्त करना चाहती है। जब यही समाप्त हो जाएगा तो वो कहाँ से आ जाएगा, वो सेकेंडरी मैटर है, फर्स्ट मैटर है कि इसको बचा लीजिए। अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाले, जिस तरह से 100-200 साल पहले लोगों को से शिक्षा दूर था, आने वाले समय भी वंचित तबका, दलित तबका से शिक्षा दूर हो जाएगा। यह लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने का अभियान जुआ राजद के कंधों पर है और जुआ राजद के साथ ही आज तय करेंगे कि भोजपुर जिला के हर गाँव में इस आंदोलन को कैसे खड़ा करेंगे, उसी के लिए आज यह बैठक है।